गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टार्टेड एज यूजुअल फ्रॉम दहीसर। अभी तक डिसाइड नहीं किया किस तरफ जाना है, प्लान कर रहे हैं कि हाईवे की तरफ निकलें या अक्सा बीच की तरफ। तो उसी कशमकश में कोऑर्डिनेट करके देखते हैं पार्टनर से क्या बोलते हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड एंड कीप यू अपडेटेड। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि मैं यहाँ से कांदिवली जाऊँगा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे एंड समता नगर पे मिलूंगा पार्टनर से, तो वहाँ से देखते हैं विल बोट वोट मे बी एयरपोर्ट या दूसरी तरफ निकलेंगे। तो लेट्स सी। ये मेट्रो स्टेशन है आनंद नगर। मेट्रो में एक और फैसिलिटी है हमारे जैसे साइक्लिस्ट के लिए कि अगर आप कहीं थक जाओ और वहाँ मेट्रो लाइन है तो आप अपनी साइकिल को मेट्रो में लेके भी जा सकते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन तक। तो वो एक अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड किया है मेट्रो ने। और आई हैव रीच नाउ समता नगर। सो अराउंड 8 किलोमीटर का साइकिलिंग हो गया है। रास्ता तो ठीक था बट दहीसर मेट्रो जो फ्लाईओवर है बिकॉज ऑफ वहाँ मेट्रो का काम चल रहा है तो थोड़ा सा अनइवन रोड है, छोटे मोटे पत्थर वगैरह रास्ते पे हैं फ्लाईओवर, तो वहाँ वी हैव टू बी अ बिट केयरफुल। एंड जैसे ही नेशनल पार्क का फ्लाईओवर क्रॉस किया इट वॉज अ कम्प्लीटली कोल्ड, एकदम ठंडी महसूस हुआ। ठंडी महसूस क्या हुआ, ठंडी है एक्चुअली क्योंकि पूरा फॉरेस्ट एरिया है नेशनल पार्क। एंड काफ़ी अच्छा लगा एंड स्पेशली इन मुंबई जहाँ अभी भी 33-34 टेम्परेचर चल रहा है, मॉर्निंग में एक ठंडी हवा का महसूस अगर होती है तो काफ़ी अच्छा फीलर है ये। तो हाईवे पे है अभी, वेट कर रहा हूँ पार्टनर का। थोड़ा सा ट्रैफिक मिला है यहाँ जंक्शन, यहाँ से आगे डिसाइड करते हैं किस तरफ जाना है, एयरपोर्ट की तरफ या फिर आर ए कॉलोनी की तरफ। सो वंस वी पार्टनर इज विल ज्वाइन मी उसके बाद देखते हैं किस तरफ निकलते हैं यहाँ से। ओके, तो आफ्टर साइकिलिंग फॉर 20 किलोमीटर ऑन दी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हम लोग सीधा डिसाइड किया था कि आगे चलते रहते हैं। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनल T2, उसके बाहर है हम लोग हाईवे पे। तो पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है, स्टैचू है पूरा, और ये पार्टनर पहुंच गए हमारे साथ। और आगे का क्या प्लान है भाई? आगे देखते हैं, बीकेसी तक चलते हैं, बीकेसी या कला अपना रिजर्वेशन। ओके, देखते हैं कितना ट्रैफिक मिलता है आगे, किसी या अपना बेंड्रा रिक्लेमेशन तक जाके आते हैं। तो निकले थे तो हम बीकेसी की तरफ बट रास्ते में थोड़ा मूड चेंज हो गया कि आते टाइम ट्रैफिक मिलेगा तो हम लोग वापस आ गए। सो हाईवे से पार्टनर वापस चला गया कांदिवली की तरफ और मैं आगे निकल आया। थोड़ा सा आदत है नई जगहों को एक्सप्लोर करने की,
तो ये हाईवे से लग के ही लिंक रोड के साथ लेफ्ट आते हैं, तो एक आई वुड से दी जहाँ आरटीओ है वहाँ से आप आगे जाओगे तो पूरा मैंग्रोव वाला एरिया है। तो आप जैसे देख ही सकते हो चारों तरफ जंगल ही है। पीछे ये बिल्डिंग जो बना हुआ है काफी सालों से, मतलब जितने साल मुझे यहाँ हो गए इस एरिया में आके, ये बंदी पड़ा है। शायद हीरा नंदानी का बिल्डिंग है कुछ लीगल मैटर्स में, बट एनीवे दी एरिया अराउंड हियर बहुत मतलब शांत है, खूबसूरत है, एंड चारों तरफ एक्चुअली दोनों तरफ यहाँ मैंग्रोव्स हैं। तो बैकग्राउंड में अगर आप सुन पा रहे होंगे तो आपको पक्षियों की आवाज़ भी यहाँ बिल्कुल क्लियरली सुनाई देती है बिल्कुल। तो काफ़ी पीसफुल है, बीच में ऐसी ऐसी जगहों पे भी जाना चाहिए तो थोड़ा यू नो माइंड फ्रेश हो जाता है। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं।